अजमेर की क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ में नागौर और अजमेर के विभिन्न थानों में चोरी के 15 मुकदमे दर्ज हैं। हर बार जमानत पर रिहा होते ही वह वाहन चोरी और अन्य आपराधिक वारदातों में लिप्त हो जाता है। सीओ छवि शर्मा के अनुसार आरोपी के कब्जे से 7 चोरी की बाइक बरामद की गई है। वारदात में लिप्त एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया। आरोपी कड़ैल पुष्कर निवासी सोहन सिंह पुत्र बहादुर सिंह थे। वाहन चोरी की कई वारदातें खुलने की उम्मीद जताई गई। विटामिन ए की कमी से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग 30 अप्रैल से एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। 30 मई तक चलने वाले इस अभियान में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि बच्चों में रतौंधी और आंखों की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए शरीर में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा का होना बहुत जरूरी है। उदयपुर में गर्मी अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यहां दिन का पारा 42 डिग्री और सुबह का पारा 24 डिग्री के पार जा चुका है। उदयपुर में दिन का यह 4 साल का सबसे अधिक तापमान रहा। वहीं सुबह के पारे ने भी 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और गुरुवार को सुबह का पारा 26 डिग्री पर पहुंच गया था। हालांकि शुक्रवार को इसमें गिरावट हुई और यह 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिन का पारा 42.1 डिग्री दर्ज किया गया है। तो मौसम विभाग ने इन दिनों उदयपुर सहित प्रदेश भर में हीट वेव चलने का अनुमान लगाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के बाद में टेस्ला के CEO एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने जल्द ही कोका कोला खरीदने की बात कर दी है। उन्होंने कहा कि वे इनमें कोकेन डालेंगे। मस्क ने ट्वीट करके कहा कि अब मैं कोला खरीद रहा हूं, जिससे उसमें कोकीन फिर डाली जा सकेगी। इस ट्विटर को लोग अब तक लाखों की संख्या में लाइक और रिट्वीट कर चुके हैं। इस ट्वीट के कुछ देर बाद एलन मस्क ने एक और ट्वीट किया, कहा ट्विटर और ज्यादा मजे वाली जगह बनानी चाहिए। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।